कहाँ रख दी मैंने, यहाँ होके। अरे ये तो सिकंदर का चश्मा है, ये अंधा अपना चश्मा यहाँ कैसे भूल गया। चश्मे के बगैर तो चला ही नहीं जाता, ऊपर कैसे पहुंचा होगा। आई थिंक इधर उधर टकराता हुआ। एनीवे, चल गोरी शुरू हो जा। ओए किधर गया मेरा चश्मा, मेरे इधर ही तो रखा था यार। ओ इधर ही रखा है, ये किधर गया। ओए अपना, ओए शीरी, ओए शीरी पुत्री, और मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। पापा क्या हो गया? ओए पुत्री मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, यही रखा था मैंने। पापा आपने चश्मा उतारा क्यों था? ओए अंडा बॉयल कर रहा था, उसे करीब से देखना था। मैंने कहा ये पानी में ना गिर जाए तो उतार के इधर रखा था मैंने। करीब से देखने में अंडे ज्यादा टेस्टी हो जाते हैं क्या? और पुत्री मैं देख रहा था कि सही तरह छिड़के की कोई छिड़का तो नहीं लगा रह गया। तो पापा आपने मुझसे कहा होता कि अंडे के ऊपर कुछ लगा तो नहीं रह गया था। नहीं, ये कि मुझे बॉयल एग खाना है। ओए मैं अपने काम खुद करना चाहता हूँ पुत्री, और वो अंडा मैं खा चुका हूँ। पापा जब भी आप अपने काम खुद करते हैं ना तो कोई ना कोई मार देता हूँ, यही कहना चाह रही हो ना। अच्छा नहीं लगता पापा भंड मारना, आपका काम करना। लेकिन पुत्री मेरा चश्मा किधर चला गया? पापा आप चले मेरे साथ, ऊपर ही रखा होगा आपने। ओए अल्लाह करे ऊपर से ही मिल जाए पुत्री, मिल जाए, वरना मैं देखूंगा कैसे। मामा अब बहरी होने के बाद अब आप अंधी भी हो गई हैं। अल्लाह ना करे मैं अंधी हो जाऊं। तो ये चश्मा क्यों पहना हुआ था? ये तो सिकंदर का चश्मा है, मैंने किचन से उठा के ले आई थी। सीरियसली मामा, बगैर चश्मे के अंधा बना घूम रहा होगा यहाँ से वहाँ। सिकंदर अंकल बगैर चश्मे के घूमने भी चले गए? घूमने का मतलब घूम फिर रहा होगा ना, शॉपिंग मॉल में कि बच्चों के पार्क में। घर के अंदर ही अंधा बना घूम रहा होगा। लगता है तुम्हें अकल की ज़कात भी नहीं मिली। मामा आपने सिकंदर अंकल का चश्मा चुराया क्यों? ये क्या किसी को तंग करने के सिलसिले में नहीं आता? मैंने चश्मा चुराया नहीं है, चश्मा उठाया, वो भी किचन के शेल्फ पर से। ये एक ही बात है। एक बात कैसे हुई? आपने उनकी इजाजत के बगैर चश्मा उठाया, मतलब चोरी किया। उसने मेरी इजाजत के बगैर चश्मा किचन में रखा क्यों, ये बताओ जरा। तो वो उनका भी तो किचन है ना। वैसे एक बात बताऊं, कितना मजा आएगा कि मैं 2-4 दिन तक चश्मा वापस भी नहीं करूंगी। मामा उनके पास ये एक ही पेड़ था। हाँ तो जाकर नया बनवा ले। और नया चश्मा बनने में 2 दिन लगेंगे, और ये जो मेरा नंबर है और ये हर एक के पास आसानी से अवेलेबल भी नहीं है जी। तो पापा आप एक्स्ट्रा चश्मा बनवा के क्यों नहीं रखते? वो ये पुत्री ये एक्स्ट्रा ही था, वो ये असल चश्मा तो टूटे हुए बड़ा अरसा हो गया है। अब 2 दिन तक ना आप अंधा बन के घूमते रहेंगे। मेरे होते तुम्हारे पापा कभी भी अंधे होके कभी नहीं किसी ट्रक के नीचे नहीं आएंगे। अंकल ये देखिए मैं आपके लिए चश्मा ले आया हूँ। मुंह आगे करें है? अच्छा हाथ आगे करें, मुंह रहने दें। ओए ओए ये तो मेरा चश्मा है। ओए ओए जीता रहे पुत्र, जीता रहे, जवानियां माने। तुम्हें पापा का चश्मा कहाँ से मिला? मामा की आंखों पर। अंकल किचन से, किचन के आई चे नून किचन से मिला है। अरे सच तो तेरे मुंह से निकल चुका है पुत्र, और तेरी माँ ने ये मेरा चश्मा जो है और किचन से चुराया है। लेकिन पापा फहद वापस ले आया तो बात खत्म। अरे पुत्री ओए ऐसे आसानी से हमारे यहाँ बातें खत्म नहीं होती है जी। तो क्या बात खत्म करने के लिए अंगारों पे चलना पड़ेगा? ओए अब देख लुदड़ कौन अंगारों पे लौटता है जी। पापा एक तो फहद ने आपके साथ भलाई की और आप उसे धमकियां दे रहे। शीरी घटियापन है, चुप करके सुनो। ओए तूने मुझे घटिया क्या है? नहीं नहीं अंकल मैंने कतई नहीं कहा, आपने माशाल्लाह खुद अपना घटियापन दिखाया। शीरी फहद थैंक यू वेरी मच, अब तुम जाओ। ओके शीरी। ओए अपनी माँ को ये जरूर बता दें कि अब मैं उसे सरप्राइज दूंगा। उनसे दोस्ती करके? नहीं उनसे दुश्मनी करके। शीरी अंकल से ये चश्मा फौरन वापस लो और मुझे दो। और चल निकल जाता है यहाँ से। शीरी मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, मैं भी थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मामा वो ब्रेड छोटी लेके आनी थी कि बड़ी? मामा 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 मेरे दुनिया तारीख तो नहीं होगी कि मामा मामा इतनी कम सनी में मुझे छोड़ के नहीं चलेगी। कहाँ चलेगी मामा? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? आप जिंदा बंदा? मैं गोरी हूँ। क्या है? आप मरी हुई थी। मरी? तो मरी जा रहे हो। आपका हेयरिंग एड कहाँ है? जोर से बोलो, क्या मिनमिना रहे हो, आवाज नहीं आ रही। हेयरिंग एड कहाँ है? अरे आहिस्ता बोलो, मैं बहरी नहीं हूँ, लगा रही हूँ हेयरिंग एड। है मेरा हेयरिंग एड कहाँ गया? हाँ जरूर चोरी किया होगा। क्या हो ना हो ये सिकंदर की हरकत है। हाँ, क्योंकि वो किसी सरप्राइज देने का कह तो रहे थे। कॉन्डोलीसा राइस। ओह, अब तो आप ये भी नहीं सुन सकती। क्या नहीं सुन सकती? आप आराम से बैठे, मैं कुछ करता हूँ। आराम से फेंकूं? मैं कुछ नहीं फेंक रही, मेरा हेयरिंग एड चोरी हुआ है भाई। हो सकता है कहीं गिर गया हो। अब ये ना जवाब दे दीजिएगा। मैं हेयरिंग एड देखता हूँ, सोचता हूँ, खाता पीता मैं देखता हूँ। हाँ पता नहीं कहाँ चला गया मेरा हेयरिंग एड। अब सारे लोग मुझे बेरी बेरी कहेंगे। इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। ढूंढ के लाओ सीरियसली। ओए शिरीन, ओए समझ के ये गोरी के कान जो है ना, ओए मेरे हाथ में, और मैं जब चाहूंगा नहीं इसी पापा छोड़िए इसे, आप क्या कर रहे हैं? ओए गोरी के कान मरोड़ रहा हूँ, तू भी मरोड़, बड़ा मजा आएगा। जी नहीं, और आप ये चुरा के लाए ना। हाँ ओए बिल्कुल उसी तरह जिस गोरी ने मेरे ये ग्लासेस चोरी किए थे ना। उन्होंने अच्छा किया और ना आपने। बदला तो आखिर लेना था ना मैंने। है जी, कभी माफ भी कर दिया करे ना। माफ, वो भी गोरी को। वैसे इंसानियत की तौहीन है। गोरी चोरी। ओए कितना मजा आ रहा होगा पुत्र, ओए गोरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। पापा आप ये हेयरिंग एड मुझे दे। एंजॉय करने के लिए? जी नहीं, उन्हें वापस करने के लिए। ओए पुत्री, ओए अपनी जिंदगी के साथ खेलकर, अपनी जान जोखों में डालकर मैं ये लेके आया हूँ। ओए मैं वापस नहीं करूँगा मैं उसे। हाँ जी पापा वापस। मैं पापा फहद ने भी तो आपको ग्लासेस वापस किए थे ना। ओए ओए अच्छा पापा ये ले पकड़, जाओ जाओ के दे वापस। थैंक यू पापा। ओए नॉट वेलकम। गोरी आंटी, गोरी आंटी, गोरी आंटी आपकी कोई चीज गुम गई है। कौन टुन हो गई है? गोरी आंटी चीज। चीज नहीं, मैं पागल हूँ क्यों चीखूं। ओहो गोरी आंटी आपके हेयरिंग एड्स मेरे पास है, प्लीज लगा लीजिए। थैंक यू थैंक यू। जरूर सिकंदर ने चोरी किया होगा। सच सच बता दो कहाँ से आया तुम्हारे पास ये? वो गोरी आंटी पापा ना गलती से उठा के ले गए थे। उठा के लेके गए, जेब में डाल के ये। चले अब तो आपको वापस मिल गया ना। सिकंदर ने बदला लेके मौत को ललकार लिया है अपनी। अब आप दोनों खुदा के वास्ते दोबारा लड़ाई शुरू मत कर दीजिएगा। लड़ाई तो अब होगी। तो फिर ठीक है, मैं ये हेयरिंग एड वापस ले जाऊँ। खबरदार जो मेरे हेयरिंग एड को किसी ने मैली नजरों से देखा हो तो। जी आंटी फहद कहाँ है? मेरा बेटा मेरा हेयरिंग एड ढूंढने गया है। ओह लेकिन शुक्र करें अब तो आपको मिल गए ना हेयरिंग एड्स। हाँ हेयरिंग एड भी मिल गया और चोर भी मिल गए। मैं देख कर आती हूँ। फहद तुम क्या ढूंढ रहे हो? अकल। वो तो नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि वो एहतजाजन ना खुदकुशी कर चुकी है। किस खुशी में? तुम्हारे दिमाग में कैद होने की खुशी में। और किस खुशी में? फहद तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई नो तुम गोरी आंटी का हेयरिंग एड ढूंढ रहे हो यहाँ पे। वो तुमने चुराया ना? पापा ने। चोर, उनके तो हाथ काट देने चाहिए ताकि सारी जिंदगी मुस्लिम शावर को तरसते हुए देखते रहें। एक्सक्यूज मी फहद, चोरी तो गोरी आंटी ने भी की थी। फिर तो हिसाब बराबर हो गया। हाँ बात तो बराबर हो गई। मैंने भी गोरी आंटी का हेयरिंग एड वापस कर दिया। रियली? शुक्र है शुक्र। क्या है जो तुम मुझसे मुकाबला करती है? मुकाबला नहीं, तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ। शुक्र कर मैंने तुम्हारा हेयरिंग एड तुम्हें वापस कर दिया, और वरना तुम एक हफ्ता बेरी बनकर और इस दीवारों से टकरे मारती फिरती। नॉट अगेन। ग्लासेस वापस कर दिए, वरना इन्हीं सीढ़ियों पे से फिसल कर तुम्हारा इंतकाल पुरमलाल होना चाहिए था इंशाल्लाह। मर जाए सिकंदर का मारने वाले। बस फहद जबरदस्ती मुझे क्लासेस लेके चला गया, वरना मैं तो तोड़ देती सिंपल। मुझे भी तुम्हारे हेयरिंग एड जो है ना चूल्हे में डाल के आग लगा देनी चाहिए थी ताकि वो पिघल जाते। अपनी आवाज नीचे करो, तुम अपनी शक्ल गुम करो। ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। भाई जा नहीं जाता, कर ले जब करना है तूने। अरे भाई मामा आप क्या कर रही हैं? ये इस दुनिया की गिलाजत को साफ कर रही हूँ, उसे मार कर। मैं बंदूक से उड़ा दूंगा। किसको किसको? अपना मुँह उड़ा लो बंदूक से। पापा क्या कर रहे हैं आप? नीचे क्यों आए? अरे नीचे मैं इस घटिया औरत को ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आइंदा इसने मेरे चश्मे को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं इसका ये हेरिंग एड है ना ओए पुत्री और ये मैं जमीन पे फेंक के और पुंह से कुचल दूंगी। और तुम्हारे भी चश्मे को देखने में मां के तोड़ के ऐसे फेंक दूंगी, कुचल दूंगी। और अगर नहीं किया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं है। हाँ तेरा नाम गौरी नहीं है, तू चोरी है, तू चोरनी है, चोरनी है, चोरनी है, चोरनी है ये। यार फाहद क्या करें इन दोनों का? मैं तो कहता हूँ इन दोनों को पागल खाने छोड़ाते हैं। कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे भी लड़ लड़ के मर जाएंगे। आखिर इनके अंदर इतना गुस्सा आता कहाँ से? ब्लड प्रेशर से। ये ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक चीज है, ये तो बड़े बड़ों को हार्ट अटैक और फालिज करा देती है। फाहद की तो फाकी में बहुत सीरियस मसला है। हाँ ना, देखो तुम तो लोगों का गुस्सा यूँ कम करा देती हो, तुमको आइडिया दो कि इनका गुस्सा आखिर कैसे कम किया जाए। फहद मैंने सुना है कि योगा करने से ना गुस्सा खत्म हो जाता है। really? हाँ। लेकिन वो तो सिर्फ योगी को कराना आता है। अरे वो है ना वो मशहूर योगी, क्या नाम है उसका? वो मशहूर योगी क्या नाम हो सकता है उसका? योगी सखावत। हाँ हाँ वही वही वही। लेकिन उसका नंबर नहीं है मेरे पास। अरे यार इंटरनेट पे होगा ना। तो फिर करो फोन। लेकिन मेरी टांग सो ये सीधा कर लूं। फहद बी सीरियस, फोन करो। फोन जल्दी जल्दी कर लूं, इसीलिए मैंने अपना महंगा फोन अपने पास रखा हुआ था। इधर दो मुझे। लेकिन तुम्हें तो मेरा पासवर्ड ही नहीं पता, तुम कैसे खोल सकती हो? क्या? मुझे भी नहीं पता। मिल गया होगा, I don't care। ले पुत्री, मैं योगा करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू पापा। लेकिन मैं सिकंदर के साथ कभी भी योगा नहीं करूंगी। बीच में पर्दा डाल देंगे। हरगिज़ नहीं। पर्दे से उसकी बदबू आएगी मुझे। आप नाक बंद कर लीजिएगा। मैं आंखें क्यों बंद करूं? ताकि सिकंदर अंकल आपको नजर ना आए। मैं अकेला ही योगा करूंगा। मैं अकेले योगा करूंगी सीरियसली। फीस बहुत ज्यादा है, नहीं हो पाएगा। योगी सखावत के पास टाइम भी तो नहीं होगा ना। अच्छा आई एम रियली सॉरी, जो जॉगिंग पार्क है वो बराबर में गली में है सर। बराबर गली में तो है, लेकिन तुम वहाँ कभी नहीं जाते हो। नहीं नहीं मैं जाता हूँ वहाँ पे, जब शाम को लड़की आती तब। कहीं शीरी ना सुन ले, आहिस्ता बोले। क्यों? आप क्या चाहते हैं कि शादी से पहले ही मेरी तलाक हो जाए? तुम फहद हो। आप मुझे कैसे जानते हैं? अरे भाई इलाके की तमाम जिस्म में तुम्हारी तस्वीर लगी हुई है। सर क्या जबरदस्त बॉडी है मेरी सर। नहीं इसलिए कि अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ऐसे हो जाओगे। ये देखिए सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, मैंने हार मान ली। आप पार्क जाएं, वहाँ पे जाके अनवॉकेबल आंटीज आपका वेट कर रही हैं, उनके साथ वॉक करें। बेटा फहद मेरा नाम योगी सखावत है। योगी सखावत आप आ गए, मुझे आ गया यकीन कि तुम्हें रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। ये कि आप मेरी मामा और अंकल के गुस्से को कम क्या आप खत्म कर देंगे, वो ठंडे हो जाएंगे। अरे बेटा वो बेचारे भी क्या करें, गुस्सा तो आता ही होगा ना। किस बात पर? तुम्हारी जैसी औरत पर। अरे सर मैंने हार मान ली, आप तो उस्ताद लोग हैं, प्लीज अंदर आ जाइए। अंदर शीरी दोनों को लेक्चर दे रही है तुम्हारी हिमाकत पर। जी मैं मजाक कर रहा था। आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करनी है, और जब योगी सखावत आप दोनों से कुछ पूछेंगे तो सिर्फ अपना जवाब देना है, दूसरे का जवाब नहीं देना। और कोई भी एक दूसरे पर तंज नहीं करेगा। ये बातें तुम अपने बाप को समझाओ समझी। तुम आसमान से उतरी हुई हो है जी। ये शख्स डायरेक्ट मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, देख लो। पापा प्लीज। अरे जवाब तो देना होगा। नहीं आइए आइए सर प्लीज आइए, यहाँ पे तशरीफ रखें प्लीज। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज तक तो ठीक था, जेंटलमैन किसको कहा है तुमने? सिकंदर अंकल को। लाशें गिर जाएंगी अगर अल्फाज वापस ना लिए तो। मर जाओ तुम, और तुम्हारी लाश उठवा के हम पीछे कचरा कुंडी में डलवा देंगे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? योगा करने की तैयारी। बाबू जी हम जरा अपना जिस्म जो है वो वार्म अप कर कर रहे हैं। आप अपना जिस्म वार्म अप कर रहे हैं या अपनी जबान वार्म अप कर रहे हैं? अब जबान को ताली भी तो नहीं लगाई जा सकती ना। बोल के लब आजाद है तेरे हैं जी। देखिए योगा के वक्त जबान नहीं दिमाग चलना चाहिए। अरे वो तो ये गोरी का चला हुआ है जी। क्या कहा तुमने? पापा आंटी आप दोनों ने आपस में बात नहीं करनी। जोगी सखावत साहब आप प्लीज इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे वरना आपकी ट्रेनिंग शुरू होने से पहले इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके 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 लेट्स स्टार्ट। आप दोनों मेरे साथ लॉन में चले। और ये लॉन में हमने नवी नवी घास लगवाई है और ये गाय सारी कहाँ खा जाएगी है जी। पापा प्लीज देखो बहुत हो गया अब ये समझ लो तुम। मामा आप ही बस कर दे प्लीज। अब सर आप उठेंगे थोड़ा हिलेंगे तो ये सारे हिलेंगे ना। उठिए आइए आइए प्लीज। चलो 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 आगे लग आया फिर देख ले। फासला रखो। देख लूंगा तुझे मैं आया फिर। आप दोनों अब मेरी बात गौर से सुने। अरे बोली अपना हेयरिंग एड लगा ले। लगाया हुआ है और अब तो मैं उतारती भी नहीं जब से तुम जैसे चोर घूमते ना घर में। मैं ऐसी एक्सरसाइज कराऊंगा कि आपके मुंह से जुमला भी नहीं निकलेगा। तो फिर क्या निकलेगा जी? बददुआएं और क्या सिंपली। आप लोग बददुआएं देंगे एक दूसरे को ही। अरे भाई मैंने कहा मेरी बात गौर से सुने। तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ? ओए बाबूजी आप ही की तो बात सुन रहे हैं हम योगी। देखिए अभी हमने एक एक्सरसाइज करनी है बस एक। अरे भाई मतलब पहली। और ये पहली एक्सरसाइज जो है वो तो वार्म अप होती है जी। आप लोग खामोश होंगे ना 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 ना। आपने हमारा गुस्सा कम करवाना है। खुद गुस्सा नहीं करना है जी। लंबे लंबे जरा गहरे गहरे। ऊपर जाए नीचे आए शाबाश। ना सिर्फ वो उनका गुस्सा कम कर देगा बल्कि देखना वो उनकी बोलती भी बंद कर देगा। रियली? हाँ बड़ा विटी आदमी है वो तो। आप दोनों में से किसी एक ने इस कुर्सी पे बैठना है और दूसरे ने उसे धक्का देके उठाना है जी। बिल्कुल नहीं। हाँ। आप ये डिसाइड करें कि पहले कौन बैठेगा। वो कोई मसला नहीं पहले मैं बैठ जाता हूँ जी। ये ले हर चीज में पहल करने की आदत है इसकी। और इसी बात के तो पैसे मिलती है। ओए योगी जी आप बताइए करना क्या है जी? जो भी करेंगी वो गोरी करेंगी। क्या इन्हें गिन गिन के चमाटे लगाने हैं जोर जोर से? अरे नहीं नहीं गोरी साहिबा आपने सिकंदर साहब को जितना चाहे दिल से बुरा भला कहना है और आपने अपना गुस्सा जब्त करना है। ठीक है जी यार ये गुस्से पे काबू पाना है। शाबाश गोरी आप स्टार्ट करें। अगर दुनिया में मुझे एक कत्ल की इजाजत मिल जाए तो मैं इस शख्स को कत्ल करूं और ऐसे नहीं करूं कि मार दूं धाए से और ये मर जाए। नहीं इसको मैं पहले हल्का से बेहोश करूंगी फिर इसके इतने बारीक 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 टुकड़े करके चील कौवों को खिलाऊंगी। जो बचेंगे वो कुत्तों को दे दूंगी। अगर कुत्तों ने खाने से इनकार कर दिया इसका जहरीला गोश्त तो फिर मैं छोटी छोटी से कीड़े इसके ऊपर छोड़ दूंगी ताकि इसका गोश्त खा जाए और इसका सफाया हो जाए आराम से। वैसे मैं कह रही हूँ ऐसे बदसूरत इंसान को जिंदा रहने का हक है ही नहीं। ये जातियात में आ रही है और मुझे बदसूरत कह रही है। आप इससे पूछेंगे इसने कभी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? सिकंदर साहब आपने गुस्सा नहीं करना। और क्यों ना करूँ गुस्सा जी और मुझे बदसूरत कह रही है। हाँ तो तुम कौन से मिस्टर यूनिवर्स हो जो तुम्हें बदसूरत नहीं कह सकते हम लोग। सुना आपने? खुदा के वास्ते आप दोनों खामोश हो जाए। मैं नहीं खामोश होऊंगा मैंने टक्कर मारे आप इसको। हाँ जी खबरदार। वो इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज करा रहे हैं ना। तुम्हें कैसे पता? अंदाजा ही है। तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा सीन हो गया है? क्या राइटर को तो नहीं कुछ कह सकते ना? क्यों क्यों नहीं कह सकते? भाई वो इंटरकटिंग में सीन लिखे हैं। ये लो एक और इंटरकट। देखिए अब आपने अपना गुस्सा जब्त करना है। सिकंदर साहब जो कुछ भी बोले आपने गुस्सा नहीं करना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे मैंने अपने लब सी लिए। सिकंदर साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे योगी जी सबसे पहली बात तो ये है जी कि इस औरत को औरत ही नहीं कहना चाहिए जी। और ये औरतों के नाम पे धब्बा है। और जी ये वो औरत है जिसे तो परिंदे भी देखना पसंद नहीं करते। और ये जब बाहर निकलती है ना जी और ये तो परिंदे उड़ते उड़ते अपने पर अपनी आंखों पे रख लेते हैं। वो कहते हैं इस मनहूस की शक्ल देखने से बेहतर है कि हम आपस में टकरा जाए। एक दिन जी गली में कुत्ते भौंक रहे थे और मैं अपने डंडे टूंडे लेके बाहर निकला तो देखा योगी जी और कुत्ते इस पे भौंक रहे क्योंकि ये वहाँ चक्कर लगा रही थी। और कुत्तों ने मुझे शिकायत किया कि ओए इसे अंदर ले जा ओए हम दोनों में से कोई एक ही बाहर रह सकता है। ये तो इज्जत है इसकी मोहल्ले में जी। बस कर दो तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। औरत के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे आपने गुस्सा नहीं करना था। गुस्सा इन बातों पर तो इसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। उठे आप उठे आप उठे हट। देखे अब मैं बैठता हूँ ठीक है। अब आप लोग मुझे जितना चाहे बुरा भला कहें लेकिन मैं कैसा कंट्रोल करता हूँ सीखे आप। ठीक है। तेरी शोख 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 तेरी शोखियाँ बड़ी नाट नाट तेरी नोटियाँ। तेरी शोख 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 तेरी शोखियाँ बड़ी नाट नाट तेरी नोटियाँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या एक्सरसाइज करवाई है आपने जी। और मेरे सारे दिल का गुबार निकल गया, हल्का हो गया। बिलीव मी, मैं भी इतना लाइट लाइट फील कर रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। वाह 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 जोगी साहब, उस्ताद मोहतरम, आपने तो कमाल का बल्कि जादूगिरी दिखा दिया। हाँ, वैसे योगी और जोगी में ज्यादा फर्क नहीं होता। बहुत फर्क होता है। जी 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 जी। योगी सखावत साहब, आप वैसे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, गोरी आंटी और पापा के गुस्से में कितना फर्क आया है। तो क्या इनको दोबारा बुरा भला कहना शुरू करते हैं? हाँ हाँ, सीरियसली दोबारा करते हैं। नहीं, इस बार हम एक डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं। और यानी बुरा भला कहने के साथ साथ आपको गुब्बे भी लगाने हैं जी? अबे मैं मारूं, इस काम में तो मैं स्पेशलिस्ट हूँ, सीरियसली। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों मेरे साथ लॉन में चले आए। आज चलो फिर, आओ आखिर इस दफा भी चल के देख रहे थे क्या होता है। लो बैठ गए, अब बताएं क्या कर रहे हैं ये। सोचे आप दोनों अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और आमने सामने आके दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। आप दोनों आराम से अपनी अपनी गाड़ी से उतरेंगे और बड़े अदब से प्यार से मसले का हल निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। 1 2 3। मोहतरमा, ये आपको कहीं चोट वोट तो नहीं लगी जी? कोई खराश तो नहीं आई? नहीं, माफ कीजिएगा, सॉरी, गलती दरअसल मेरी थी। ओए होए जी, कैसी बातें करती हैं जी आप, इंसान से गलती हो ही जाती है। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? बाहरी तो कुछ नहीं है जी, लेकिन गुच्ची शायद एक आधी लगी है, लेकिन ठीक हूँ मैं। आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है मैं पूरा करूँगी वो। ओए नहीं 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 जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है जी। ओए मेरी गाड़ी इंश्योर्ड है जी। मैं सर्जेंट हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाला। ओए सर्जेंट हो तो अपनी ड्यूटी पे जाओ, और यहाँ क्या कर रहे हो? रिश्वत लेने आया होगा ये सब से। और इन्हें तो जी मोहतरमा मौका मिलना चाहिए, जरा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं और ये रिश्वत लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं जी। ये शक्ल से ही रिश्वतखोर लग रहा है, देखिए गौर से। मैं तुम दोनों को अंदर कर दूंगा। और तू मुझे अंदर करेगा? और तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? तुम्हें शायद पता नहीं, मैं बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर की रिश्तेदार हूँ। और तो फिर देख क्या रही है मोहतरमा, और लगाए फिर इस काबली दुम्बे को 2-4। हाँ, वैसे रिश्वत की सजा तो मिलनी चाहिए। अरे भाई, मैंने तो रिश्वत मांगी नहीं है। मांगने वाले तो थे ना बेशर्म इंसान। मैं तो कहती हूँ उसके हाथ काट दो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? हाथ क्यों काटेंगे? और तुमने मेरा पर्स चोरी किया है, इसलिए हाथ काटेंगे तेरे। मेरी गाड़ी में से भी तो कीमती सामान तुमने चुराया है। ओ खुदा के वास्ते चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या हुआ? हुआ क्या सखावत साहब, हुआ क्या? आखिर इन दोनों ने मेरा नर्वस ब्रेकडाउन कर दिया। ये दोनों पागल पैदा कहाँ हुए? ओए हम तो अस्पताल में हुए थे, तू अपना बता। ये बेचारा सड़क पे पैदा हुआ था, इसीलिए रिश्वत मांगता फिर रहा है सबसे। बस बस, मैं जा रहा हूँ। अरे एक तो आप लोगों ने किया क्या इनके साथ? किया क्या है पुत्री? और मैंने तो अपना गुस्सा ठंडा किया। मैंने गुस्सा ठंडा किया।